हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप uh, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉल्स इन एरियस बेसिकली क्या होता है जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है तो वो इसलिए इशू करती है ताकि उसके बदले में जो उसको कैपिटल मिले उस कैपिटल को वो यूज कर पाए अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में आगे बढ़ाने में अब कभी कभी क्या होता है कि कोई शेयर होल्डर जब पेमेंट नहीं करता है तो उस पैसे को कंपनी अपने अकाउंट्स में कॉल्स इन एरियस के नाम से दिखाती है कॉल इन एरियास का मतलब होता है जब कंपनी ने शेयर होल्डर को इन्फॉर्म कर दिया कि सर आपका कॉल अमाउंट ड्यू हो चुका है आप पैसे भेजिए अब वो अलॉटमेंट भी हो सकता है फर्स्ट कॉल भी हो सकता है सेकेंड कॉल भी हो सकता है तो ऐसे में अगर शेयर होल्डर उस पैसे को नहीं भेजता है उसका पेमेंट नहीं करता है तो उस पैसे को कंपनी अकाउंट्स में कॉल्स इन एरियर्स में दिखाया जाता है अब कॉल्स इन एरियर बेसिकली क्या होता है कंपनी का हक का पैसा है मतलब कंपनी में अगर किसी शेयर होल्डर ने अप्लाई किया कि आप मुझे शेयर दीजिए और कंपनी ने उसको शेयर दे दिए और बाद में उससे कहा कि सर आपके बचे हुए पैसे भेजिए और अगर वो शेयर होल्डर नहीं भेज रहा है तो बेसिकली ये कंपनी के राइट्स जो है वायलेट होते हैं इसमें तो कंपनीज एक्ट ये कहता है आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन में अगर लिखा हुआ है तो कंपनी उस शेयर होल्डर से इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकती है वो इंटरेस्ट वेरी हो सकता है हो सकता है आर्टिकल्स में कुछ लिखा हो अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि कंपनी कितना इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है तो इस सूरत में कंपनीज एक्ट कहता है कि उससे मैक्सिमम उस शेयर होल्डर से मैक्सिमम टेन परसेंट पर एनम तक का इंटरेस्ट भी चार्ज किया जा सकता है अब ये इंटरेस्ट कब चार्ज किया जाएगा जिस दिन कॉल ड्यू हो रहा है से लेकर के जिस दिन शेयर होल्डर ने पेमेंट भेज दिया इस पीरियड के लिए कंपनी वो इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकती है तो कॉल्स इन एरिया टॉपिक का थ्योरी पोर्शन हम देख लेते हैं कॉल्स इन एरिया

अब सारी कंपनीज जो होती है वो कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं मेंटेन करती कुछ कंपनीज जो होती हैं वो इस सूरत में कॉल्स इन एरियस की जगह जो रेस्पेक्टिव कॉल होगी उसका नाम लिख देंगे हो सकता है वो शेयर अलॉटमेंट हो हो सकता है वो शेयर फर्स्ट कॉल हो हो सकता है सेकेंड कॉल हो या वॉटवर्ट जो भी कॉल होगा उसका नाम लिख देगी और अगर कोई कंपनी कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन करती है तो किसी भी कॉल का जितना भी पैसा बाकी होता है वो उसको कॉल्स इन एरियर अकाउंट में ही रखती है If authorized by articles of association of the company, uh, the company may charge interest at the specified rate on calls in area from the due date. कह रहा है कि अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है तो कंपनी उस शेयर uh, होल्डर से कॉल्स इन एरियर के ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकती है इन केस द आर्टिकल्स आर साइलेंट दिस इन केस द आर्टिकल्स आर साइलेंट ऑन दिस मैटर एफ ऑफनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन इज एप्लीकेबल विच प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर एट द रेट ऑफ टेन अब कह रहा है की अगर आपके आर्टिकल साइलेंट है तो जो कंपनीज एक्ट टू है उसका टेबल एफ एप्लीकेबल हो जाएगा और वो कहता है कि कॉल्स इन एरियर पर 10% परसेंट पर एन आप इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं तो ये तो हो गई इंटरेस्ट की बात बैलेंस शीट में इसको कहां शो किया जाएगा कॉल्स इन एरियर को कॉल्सिन एरियर अकाउंट इज शोन इन द नोट टू अकाउंट ऑन शेयर कैपिटल टू द बैलेंस शीट एज अ डिडक्शन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप अंडर सब्सक्राइब कैपिटल तो आपकी जो बैलेंस शीट होती है उसके नीचे नोट टू अकाउंट बनाया जाता है नोट टू अकाउंट्स में लिखा जाता है सब्सक्राइब कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल के दो हिस्से होते हैं एक होता है सब्सक्राइब एंड फुली अप दूसरा होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली अप तो जो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली अप का जो कॉलम होता है उसमें से कॉल इन एरियस को आपको माइनस करना होता है डिडक्ट करना होता है अब इसके केस में जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे दो एंट्रीज करनी है आपको बेसिकली जब किसी का पैसा ड्यू हो गया है पर आया नहीं है तो उसकी जर्नल एंट्री आप लिखेंगे कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू रेलिवेंट कॉल अकाउंट तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू रेलिवेंट कॉल अब रेलिवेंट कॉल क्या होता है रेलिवेंट कॉल यानी जिस कॉल का पैसा बाकी है तो वो रेलिवेंट कॉल जो है वो अलॉटमेंट भी हो सकता है फर्स्ट कॉल भी हो सकता है सेकेंड कॉल भी हो सकता है तो ये एंट्री तब पास करनी है जबकि पैसा ड्यू हो चुका है बट आ नहीं रहा है सेकेंड uh, एंट्री है जब पैसा सामने वाले ने कॉल्स इन एरियर का पे कर दिया तो इस बार जर्नल एंट्री जो होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल एरियर अकाउंट यानी कि आपके बैंक में पैसा आ गया अब कॉल्स इन एरियर की जरूरत नहीं है तो उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा तो इस तरीके से कॉल्स इन एरियज में आपको एंट्री करनी है ये था कॉल्स इन एरियज का टॉपिक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए थैंक यू सो मच